Assalam-o-Alaikum for class how are you all i hope you all are fine this is your computer class and i am your computer teacher ms fariha today for class we are going to start chapter number 8 introduction to ms word 2010 and we are going to read page number 91 and 92 after reading page number 91 and 92 you will able to start the ms word and you will able to know the features of word processor let's start reading Children, you all must have written applications before taking leave from your school. Probably you made mistakes while writing these, and it looked bad, and you had to write the whole application once again. यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बच्चों जब आपने अपने स्कूल से कोई लीव लेनी होती है तो आप उनको कोई एप्लीकेशन लिखते हैं ठीक है ना अक्सर ही आप इसकी राइटिंग के दरमियान कोई भी मिस्टेक कर देते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता ठीक है ना तो आपको वो एप्लीकेशन दोबारा से लिखनी पड़ती है ये अक्सर ही किसी ना किसी बच्चे के साथ होता है और वट आम सम जॉब इट वॉज और फिर आपको ये करना बार बार अच्छा नहीं लगता हैव यू एवर थाट ऑफ टाइपिंग योर एप्लीकेशन ऑन आर कम्प्यूटर तो क्या आपने कंप्यूटर के ऊपर कभी अपनी एप्लीकेशन को टाइप करने का सोचा माइक्रोसॉफ्ट विंडो प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एट अलाउ यू टू टाइप टेक्स्ट कुरेक्ट मिस्टेक्स एड पिक्चर्स चेंज द टेक्स्ट कलर इट एंड डू मच मॉर वर्क मीन्स की अब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो आपको प्रोवाइड करता है डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसके अंदर आप अपने टेक्सट को लिख सकते हैं अपने मिस्टेक्स को कुरेक्ट कर सकते हैं पिक्चर्स एड कर सकते हैं टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं ठीक है और इस तरह का और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं डूइंग ऑल दिस ऑन अ कंप्यूटर इज वर्ड प्रोसेसिंग अब ये सब कुछ करना क्या कहलाता है डेट इज कार्ड वर्ड प्रोसेसिंग अ वर्ड प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेट हेल्प्स यू टू टाइप द टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर है जो कि आपको हेल्प आउट करता है अपने कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट को टाइप करने के लिए MS Word 2010 is the most popular word processor used nowadays. In Dino ke Andar, sabse MS Word 2010 hi use horay. Now, we are going to read features of a word processor. Some of the advantages of a word processor are as follows. Number 1 is, you can correct spelling mistakes. You can also change the order of sentence and paragraph. You can change the font size, style and color of the text. You can count the number of words in your text. You can insert a picture in the document and you can easily print out your document. Means के इसके अंदर आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं आप अपने सेंटेंसेस और पैराग्राफ के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट के साइज स्टाइल और कलर को चेंज कर सकते हैं फिर इसके अंदर आप अपने नंबर ऑफ वर्ड्स को भी काउंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं और आप बाद में इस सारे डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं नाउ फॉर क्लास टर्न पेज नंबर नाइनटी टू हाउ टू स्टार्ट एम एस वर्ड अब एम एस वर्ड को आपने स्टार्ट कैसे करना है टू स्टार्ट एमएस वर्ड फॉलो द गि नंबर वन इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द डेस्क टॉप सिलेक्ट एंड क्लिक ऑल प्रोग्राम्स क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिलेक्ट एंड क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड टू थाउजेंड टेन फ्रॉम द डॉप डाउन लिस्ट अ न्यू विंडो अपियर्स ऑन द स्क्रीन इटवेरियस पार्ट आर एज मैं बिलो ओके क्लास सबसे पहले आप क्या करेंगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर स्टार्ट बटन में जाएंगे वहां पर जाके आपने ऑल प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करना है ऑल प्रोग्राम्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑप्शन होगी उस पर क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होगा आपने उस पर क्लिक करना है आपके सामने एक विंडो अपीयर हो जाएगी एंड यू कैन सी फिगर नंबर एट ये होती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो ठीक है नाउ कंपोनेंट ऑफ एम एस बर्ड एम एस बर्ड के अब है कंपोनेंट्स नंबर वन पे क्या है टाइटल बार टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द विंडो स्क्रीन ए डिस्प्लेस दाइल नेम एंड नेम ऑफ द्रंट प्रोग्राम इट ऑल्सो कंटेन्स थ्री बटन मिनिमाइज मैक्सीम और रिस्टोर बटन एंड क्लॉज बटन टाइटल बार आपकी विंडो स्क्रीन के सबसे ऊपर वाली होती है और इसके अंदर आपका फाइल का नेम आ रहा होता है और आप जो सा प्रोग्राम जिसमें आप काम कर रहे हैं उसका नेम आ रहा होता है यहाँ पर तीन बटनस भी होते हैं पहला होता है मिनिमाइज का यानी कि अपनी विंडो को आपने कैसे छोटा करना है मैक्सीमाइज का मीन्स कि अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो विंडो है उसको कैसे बड़ा करना है है और एक होता है आपका रिस्टोर का ठीक है ना मैक्सिमाइज को ही हम री भी कहते हैं और एक आपका 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 होता 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 है बटन। बटन है है वो वो जो का यानी की को को अगर आपने करना हो तो आप यूज कर सकते हैं आई होप यू वॉट ऑल द इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर क्लास नाउ इट्स योर टर्न टू रीड पेज नंबर lecture स्टे होम स्टे सेफ